तो हम फाइल बना लेते हैं एक मैथ नाम की मैथ बना देता ठीक देखते हैं कि मैथ के कौन कौन से नए मेथड हमें ई एस सिक्स में मिले तो पहला मेथड जो मिला हुआ है वो ट्रंक मिला हुआ है जो क्या रिटर्न करता है इंटीजर पार्ट मैथ डॉट ट्रंक क्या रिटर्न करेगा इंटीजर पार्ट रिटर्न करेगा आप अगर कोई भी नंबर उसमें पास कर देते हैं तो मैं डायरेक्ट कंसोल लॉक करता हूं मैथ डॉट ट्रंक इसमें आप कुछ भी पास कर दीजिए मान लीजिए आपने इसमें पास किया फाइव नहीं मैथ की नहीं मैथ ये सिक्स फाइव ठीक जो इंटीजर था वो इसने रिटर्न कर दिया अब हम कुछ कॉपी बना लेते हैं इसकी ठीक ये फाइव पॉइंट सेवन कर देता हूं राउंड के केस में क्या होता है ये नेक्स्ट इंटीजर रिटर्न करता 5.7 में सिक्स रिटर्न करता 5.1 में फाइव रिटर्न करता और एक माइनस फाइव पॉइंट हर केस में इसने क्या किया है फ्लोटिंग पॉइंट को ट्रंकेट कर दिया है फ्लोटिंग पॉइंट को ट्रंकेट कर दिया है और सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न किया है आइदर पॉजिटिव और निगेटिव ठीक तो ये ट्रंकेट फंक्शन हमें मिला है स्क्रिप्ट में इसको मैं कमेंट कर देता हूं आगे बढ़ते हैं और अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं जो साइन मेथड है साइन मेथड है ये रिटर्न करेगा आपको कि साइन क्या है किसी भी नंबर की अगर कोई नंबर हमें मिल रहा है तो हम कंसोल लॉक कर लेते हैं मैथ डॉट साइन को और देख लेते हैं जैसे मैं ये माइनस वन रिटर्न कर रहा हूं माइनस वन नहीं करता हूं क्योंकि खुद ही माइनस वन ही रिटर्न करेगा निगेटिव होने पे मैंने माइनस नाइनटीन कर दिया इसको और मैं कंसोल लॉक कर लेता हूं मैथ डॉट साइन में ट्वेंटी रिटर्न कर लेता हूं और मैं कंसोल लॉक कर लेता हूं मैथ डॉट साइन में जीरो <coughs> तीनों केस हो गए एक एक नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है और एक जीरो है पता चल जाएगा खुद ब खुद की क्या रिटर्न करता है निगेटिव के के केस में माइनस वन देगा पॉजिटिव के, के केस में वन देगा और जीरो के केस में जीरो देगा ये मैथ डॉट साइंस था आउटपुट यहां लिख दे रहा हूं ठीक इनको भी कमेंट कर देते हैं और नीचे आ जाता हूं। और हम बढ़ेंगे अब अगले आ, मैथ के फंक्शन की तरफ जो ई एस सिक्स ने हमें दिया है वो है क्यूब रूट निकालने के लिए डायरेक्ट किसी भी नंबर की क्यूब रूट निकाल लीजिए तो क्या है वो क्यूब रूट सीबीआर तो हम कंसोल लॉक कर लेते हैं मैथ डॉट क्यूब रूट इसमें पास कर देता हूं मैं 64, पता चल जाएगा एक बार में क्लियर कर दे रहा हूं किया, 4. 4 का करने पर सिक्सटी फोर आएगा सिक्सटी फोर का क्यूब रूट फोर आ गया ठीक ये बहुत ही आसान सा था चलते हैं देखते हैं कि अगला कौन सा मेथड है हमारे पास एक लॉग के लिए मेथड होता है तो हमारे पास लॉग टू और लॉग टेन है अगर आपको लॉग नहीं आता तो हम अलग से देख लेंगे तो ये लॉग टू और लॉग टेन दोनों के लिए मेथड दिया हुआ है इन्होंने हमें ठीक लॉग टू में लॉग टू और लॉग टेन में लॉग टेन अगर कोई वैल्यू है आप कंसोल लॉग कर रहे हैं, ठीक और आप उसमें कोई नंबर पास कर देंगे तो अगर लॉग में आप वो नंबर पास करेंगे और उसका बेस टू होगा तो क्या रिटर्न आएगा वो ये सॉल्व करेगा अगर आपको नहीं पता लॉग के बारे में तो कोई परेशानी की बात नहीं है अलग से देख लेंगे किसी दिन ठीक हम पास कर देते हैं एक लॉक टू में पास कर दिया और एक लॉक टेन में पास कर देते हैं और सिंपल सी वैल्यू पास करते हैं जिसकी वैल्यू वन आ जाए रिटर्न तो हम एक बार में वेरीफाई कर सकते हैं ठीक तो ये लॉग के मेथड भी हमको एकमा स्क्रिप्ट सिक्स में मिले हैं कुछ नंबर प्रॉपर्टीज मिली हुई हैं हमको कुछ नंबर प्रॉपर्टीज मिली हुई हैं नंबर की फाइल अलग से बना लेते हैं